व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तुम्हारे भाई ने घर में नहीं गार्डन ब्लॉग चालू करा है। तो अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं चाचा के पास, जो कि हमारा लाइसेंस बन के आ चुका है परमानेंट वाला। इस साल के आखिरी दिन में 31 तारीख को मेरा लाइसेंस आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने दीपक चाचा के पास शॉप पर, क्योंकि लाइसेंस मेरा उन्हीं के पास है। और आज हमारे क्या प्लान है 31 तारीख के, साफ साफ बता दूं 11 बजे के बाद मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यार पुलिस वाले कुछ कहना कह, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को डंडे से मार देंगे। क्योंकि कल भी मेरे प्लान था, मतलब 31 तारीख का मेरा प्लान था, ठीक है। और आज मेरी वैक्सीन और लगी है, दूसरी वैक्सीन मेरे आज लगी 31 तारीख को। तो जब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा था, तब मेरे पापा ने कही थी खास, वरना मेरे पापा मेरे से कहते नहीं है, खास मेरे से ये कही थी कि 11 बजे के बाद तू बाहर नहीं जाएगा, और वरना पुलिस डंडे से मार देगी, और हम तुम छुड़ाने नहीं आने वाले, साफ साफ बता दी तेरे को। तो मैंने कहा अब इतना कह रहे थे घर वाले टिक जाते घर पे, लेकिन मेरा 11 बजे से पहले लेकर जाने का प्लान है। अगर हम आ जाते हैं, और मेन चीज हम जाएंगे, मतलब सारे मेरी बहनें जाएंगे साथ में, तो हम बस 4 लोग जा रहे हैं। और अगर हम जाएंगे तो आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या मस्ती करेंगे, क्या बकचोदी होगी। और बहुत दिनों के बाद, बहुत महीने बाद मैं अपनी बहनों से मिलवाऊंगा आप सबको, तो आज मजा आने वाला है। बेसिकली बात ये है, कुल मिला के वैक्सीन भी लग गई, मेरे हाथ में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, इस तरफ ही बस थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। वैक्सीन लग गई, लाइसेंस आ गया, और अभी आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। सो जुड़े रहो मेरे साथ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था कि सब्सक्राइब कर दो भाई। तो हमारा प्लान ये डिसाइड हुआ था कि हम जाने वाले हैं साइबर अप। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि वहाँ पे साइबर अप में मतलब न्यू ईयर बनता है नहीं बनता, तो उसने कहा था कि पिछले साल तो बना था, उसे पिछले साल ही बना था न्यू ईयर। तो मैंने ठीक है कि इस बार भी बनेगा, क्योंकि जब हमने प्लान करा था तो तब मतलब कर्फ्यू नहीं लगा था 11 से 5 का, 2-3 दिन ही इसको लगी हुई कर्फ्यू को। तो तब पता चला कि अब 11 से 5 कर्फ्यू लगने लग गया, तो हमने सोचा कि चला प्लान चेंज करते हैं, क्योंकि हम पुलिस को चक्कर पड़ना। तो हमने सोचा कि एक कैफे या फिर कुछ और चले जाएंगे, कुछ खाने पीने चले जाएंगे अपना चारों भाई बहन मिलके। तो हम सबका ये प्लान हुआ है, सारे मिलके कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे, ठीक है, अपना मस्त मस्ती करेंगे। तो आप सबको वो दिखाऊंगा मैं, लेकिन न्यू ईयर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यार देखो अब मैं कहीं गोवा जैसलमेर कहीं गुड़गांव तो बाहर गया नहीं, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं, ठीक है। तो मैं रह गया बस, क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, कोई तो गोवा भग गया, ठीक है, कोई भग गया क्या, भग गए आधे तो, मतलब दोस्त मेरे गोवा भग गए। एक अभी जिससे मेरी आज सुबह बात हुई थी, वो मेरे से कह रहा था जैसलमेर चलेगा, क्योंकि उसका फोन आया था मेरे पे सुबह सुबह, वो मेरे से पूछ रहा था भाई तेरे मतलब सारा खर्चा मैं उठ लूंगा, तू चल बस। मैं यार घर के मना कर रहे हैं, मैं यार क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसको मना कर दी, मैं फिर नहीं गया जैसलमेर। फिर एक मतलब सारे जा रखे हैं मेरे को छोड़कर, अब 2-3 दोस्त ही रह रहे मेरे पास यहीं पे ही, तो उनके साथ मैं अभी घर बैठूंगा अपना बढ़िया आराम से 11 बजे। उससे पहले जहाँ हो आ सकता हूँ मैं वहाँ होके आ जाऊंगा अपना। तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन ने डिसाइड करा था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन ने देखा था उस मतलब उस जगह को, नाम सुना था, हम कभी गए नहीं है वहाँ पे, तो आज जाके देखेंगे, क्योंकि वो 4 से 11 खुलता है कर्फ्यू के चक्कर में, तो 4 से 11 खुलता है शाम को। तो अब हम वहाँ जाएंगे, वो मिनी गोवा करके है, मतलब एक कैफे ही है शायद से। भाई मैं आते वक्त ये देख रहा था कि मतलब आज है ना पुलिस बहुत ज्यादा खड़ी है, मतलब जहाँ पुलिस नहीं भी खड़ी होती है ना वहाँ पे भी उन्होंने पैर लगा खड़े हो रखे है। मगर मैं चौंक गया, मतलब क्या भाई इतनी पुलिस की खड़ी है। तो यार भाई लाइसेंस अपना बन के आ चुका है। कितने घंटे में चलेगी ये बताओ? चल है? हो गया बंदी ने 8 बजे कही थी, 8:30 बजे चलेंगे यहाँ से, 9:30 हो गए, बंदे चलने को रेडी नहीं है, क्या होगा इनको बताओ। अब प्लान चेंज हो गया, मतलब जगह तो वही है बट बंदे कम हो गए हैं, अब 3 बंदे हो गए, मतलब 2 बहनें जा रही हैं और एक मैं जा रहा हूँ, बस हम 3 लोग जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी वाली बहन का प्लान कहीं और बन गया, वो वहाँ पे है, तो वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी, तो उसको नहीं लेके जा रहे अब। बाकी मेरी दोनों बहनें और मैं जा रहे हैं, कब हो रहे हैं 9:30 बजे हम निकल रहे हैं घर से, और जहाँ पे हमें जाना है वो आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैप पे, 35 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और मेरे को भूख लग रही थी, तो मैं वैसे हम खाने जा रहे हैं, लेकिन मेरे को भूख लग रही थी, तो अब क्या कर सकते हैं, बस थोड़ी देर खा ही लेते हैं ना यार। अब मेरे को उसके शेड्स फिर से उतारने पड़ेंगे, क्योंकि अब हो गई रात, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि हम 11 बजे घर आएंगे, और पापा को पता नहीं है कि हमें ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, और पापा के हमारे का टाइम होता है 11 बजे आने का। तो हम पे बस एक ऑप्शन है, 11 बजे से पहले पहले घर आना है, ताकि पापा में कुछ ना। कहाँ जा रहे हैं पलक?
पॉपकॉर्न चिली मिनी गोवा। तो मेरे को इस कैफे का आइडिया इसी ने दिया था, मतलब हम कल बैठ के देख रहे थे तो एक और इसने कैफे का नाम बताया था, कौन सा कैफे का नाम था? फॉरेस्टा। फॉरेस्टा नाम से एक कैफे है, लेकिन वो हम वहाँ जाने की सोच रहे थे लेकिन वो दिल्ली में है, तो हमने सोचा ना कैंसिल करते हैं। फिर हमने यही देखा, मतलब कोको एंड चिली मिनी गोवा के नाम से यहाँ पे कैफे है, हम वहाँ जाने वाले हैं। हम पहले कुछ खाने जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो? खा रही हूँ। क्यों खा रहे हो? जब खाना सामने होता तो उसको मना नहीं करते। झूठ बोल रही है, वैसे मेरे से कहते हैं मैं डाइट पे हूँ, और नहीं तो पूरे दिन चढ़ती रही। ऐसे चलती तुम्हारी डाइट, अभी भी चढ़ी रही है, मैं कि रुक जाऊँ, इतनी बेस्ती मार दी, अभी भी चढ़ी रही है मैडम। यार ज्यादा देर तक अगर ब्लॉगिंग करते हैं ना तो कंधे में दर्द हो जाता है मेरे, यार वैक्सीन और लग रखी है मेरे, ज्यादा देर दर्द लग रही है। जिम की बात नहीं यार, दर्द दर्द होता है यार, कभी भी हो जाता है। इनसे 10 किलो भी नहीं उठता। 10 किलो की बात नहीं है, उठाता हूँ 35 किलो भी लेते हैं डंबल में। अब टाइम हो रहा है 9:31 और हम खड़े अपनी बहन के घर के बाहर। ये अपने आगे है मेरी सबसे प्यारी बहन, जो कि जो मेरे सारे पैसे उठती है तो इस बार भी मेरे पैसे यही उठ रही है, ये वाली तो बेकार है, ये वाली मेरे पैसे नहीं उठती। और मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अब मैं तेरे को अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं बिठाऊंगा, ये देखो लड़के का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, ये लड़का बड़ा हो गया हमारा लड़का पहले बड़ा हो चुका था पर ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी नहीं हुई नहीं मैं बनवा लूंगी, मैं 21 इयर्स की हूँ। 21 की तो हो गई पर इसका लाइसेंस नहीं बना, बताओ अभी तक। तो यहाँ से दिखा रहा है 33 मिनट का रास्ता, 19 किलोमीटर है ना, 19 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये इतने बुरे हैं ना, इन्हें मेरी जेब खाली करवा दी, मैं सोचा था इनकी जेब खाली करवाऊंगा, कुछ काम धंधा नहीं, मुझे लगा पैसे उठ रहे तो बस सारे उठ। चलो 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 यार, अब 10 बज चुके हैं, हम पे बस अभी 1 घंटा है, देखी जाएगी अब जो होगा। डांट सुननी है सुन लेंगे, डंडे खाने खा लेंगे, है ना बहनों? इट्स ओके गाइस, है ना, इनका तो रोज का है डंडे खाना, है ना। घर वालों, चलो घर वालों का तो रोज का सुनना है इनका, पुलिस वाले का आज ले लेंगे। और जब गलती लग जाते तो बचा ही लेते हैं, पता भी नहीं लगने देते, वो तक लेकर होश ही नहीं था, हम क्या कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा लोग है ना कट कर देते हैं, मेरी बेइज्जती चालू हो रही है, आगे जाके बाद में बात करेंगे, हम जब पहुँच जाएंगे सीधा वहीं बात करेंगे, ठीक है? निकल रहे और हम पागल और गाड़ियां भी खड़ी है, उनके साथ हम भी निकलेंगे अगर पुलिस आई तो। यहाँ और यहाँ पे बताऊं गाइस, मतलब जहाँ GFR रोड पे ये कैफे है और यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमारे यहाँ। तो ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, ठंड है यहाँ तो, यहाँ आ रहा शिमला वाला मजा, तो हमारे यहाँ गुड़गांव तो कुछ भी नहीं है। और ये अपना मतलब अंदर जाने का मेन एंट्रेंस, ये हमारी दोनों दीदियाँ खड़ी, ये अपनी गाड़ी तो मैंने लॉक करी नहीं सर। तो ये अपना मतलब पूरा वो कौन सा कैफे यार, इसके बारे में नाम भूल जाता हूँ मैं, कोको एंड चिली। हाँ तो ये है इनका पूरा कोको एंड चिली कैफे, ठीक है। ये इनकी कुछ एंट्रेंस है। यशवानी आपके दोस्त आए हैं, मिले हैं आपको, मिलिए जाइए सर। तो भाई ये अपना कुछ, हेलो गाइस हम पहुंच गए हैं। अरे मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम बताया था यार? कोको चिली। हाँ कोको चिली, ये कैफे में पहुंच चुके हैं। तो मैं ये कैफे दिखाता हूँ मैं, ये पूरा कैफे है और वहाँ पे पूरा बैठने का है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 10:18 हो रहे हैं अभी और इनके, जल्दी ऑर्डर करो यार, जल्दी खाना मंगाओ और निकलो यहाँ से। क्या यार नया साल बनाने आए हो तो अच्छे से इंजॉय तो करो जितना कर रहे हो, लेट होगा क्या बात, देख लेंगे उसके बाद में निपट लेंगे, क्या होगा वही भुगत लेंगे पहले। कुछ नहीं पिटवा देगा पहले यहाँ तो इंजॉय कर रहे हैं भाई लोग। हाँ तो भाई क्या हुआ, मैं सब बताओ, अभी यहाँ एक भैया आए थे, उन्होंने क्या बोला हमें? ऐसा कुछ नहीं है, 10:18 हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे और ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे, और ये मतलब कर्फ्यू टाइम है तो अब इनका बंद करने का टाइम हो रहा है, क्योंकि इनको भी डर लग रहा है कि पुलिस ना आ जाए। अब हमें डर लगना लग गया, जब इसने बोला कि अभी बंद होने का टाइम लेना है तो अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहने लग गया चलो वापस घर ही चलते हैं, इससे बढ़िया। तो इनका यहाँ पे फोटोशूट चालू हो चुका है, थोड़ी देर फोटो खिंचवाते हैं,
पे बैठते हैं फिर अपना घर चलते हैं यार। और क्या है, इतनी फूटी किस्मत यार हमारे साथ ही, और किसी की इतनी फूटी किस्मत नहीं होगी, वो भी बस इन दोनों के चक्कर में, इन दोनों के चक्कर में लेट हुए, वरना हम आते यहाँ पे आराम से बढ़िया खाते और घर जाते, इन दोनों के चक्कर में हम लेट हुए बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अब कैफे तो देख ही लिया है, अभी नहीं तो फिर बाद में कभी ट्राई कर लेंगे। तो अभी फिलहाल बैठते हैं फिर घर चलते हैं, ठीक है। बस खाना खोना कुछ नहीं है, बस आओ टाइम बर्बाद करो घर चलो, इतनी फूटी किस्मत हमारी है और किसी की नहीं है। सारे एंजॉय कर रहे थे हमारे, हमको छोड़ कर फोटो खिंचवा खिंचवा के एंजॉय कर रहे हैं तो भाई। अब देख लो मतलब यहाँ पे तब गाड़ी गाड़ी खड़ी थी, हमें पता सब कितनी कम गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हमें मतलब ऐसे खाली हाथ जाना पड़ रहा है, ना कुछ इंजॉय करा ना कुछ करा, बस आए बैठे और ने कुछ बोला कि अब आपको ऑर्डर नहीं ले सकते, अब मतलब कर्फ्यू टाइम होकर 11 बज चुके हैं, अब आपको ऑर्डर नहीं लेंगे। तो इनका क्लोजिंग टाइम हो चुका है, अब हम जाने वाले वापस। और मतलब मेरा ना दिमाग पूरा हिल गया पूरा, कहा यार अब इतनी दूर आए और कुछ किया भी नहीं, खामे खामे 500 रुपये बर्बाद चलेगी पेट्रोल में, हट यार। इतनी यार फूटी किस्मत है ना, पता ही नहीं क्यों हुई मेरे साथ, जल्दी आना चाहिए था यार। कोई नहीं, अभी नहीं तो फिर बाद में आ जाएंगे, आज 31 है, 1 तारीख को आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है, न्यू ईयर कल भी है, 12 बजे भी है, तो अपना कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत। मैं आ गया बाहर, वो अंदर फोटो वोटो खिंचवाई है, तो मेरे को अजीब लग रहा था, कुछ ऑर्डर वोडर किया है नहीं, मतलब ऐसे बस माँ का फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मेरे को अजीब लग रहा था, फिर मैं बाहर आ गया, अपनी गाड़ी पास खड़ा हो गया। तो जब आ जाएंगी तो हम चलेंगे अपने घर, और अभी टाइम हो रहा है 10:40। तो बस भाई अब मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरी फूटी किस्मत आपको पसंद आई हो ना, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी आपको मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय, पीस एंड लव एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि व्लॉग कल आएगा, क्योंकि कल 1 तारीख होगी, तो मैं व्लॉग 1 तारीख को डालूंगा, तो इसलिए आपको आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, ठीक है। बाय, पीस एंड लव।